तो हियर वी विल लर्न अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसको कि हम लोग सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, जो सात स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के इंडिया में, वहाँ पे उनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स हैव देयर ओन कस्टम्स, फूड, ड्रेसेस एंड लैंग्वेज। ये जो सातों स्टेट है, क्या क्या नाम है इनके? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो ये सातों स्टेट के अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग तरह के खाना है पीना है इन लोग का। और यहाँ पे हमने एक ट्रिक दिया है आप लोगों को, जैसे ये सात स्टेट का नाम याद करने के लिए ना, कभी पूछे कोई सेवन सिस्टर्स का नाम क्या है, तो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर बाय दिस वे। एटीएम आना मम्मी, मम्मी मतलब मदर को बोलते हैं ना मम्मी, तो एटीएम आना मम्मी, तो एटीएम आ ना मम्मी, ये अगर आप इतना है फर्स्ट लेटर्स याद हो जाएगा ना, तो बहुत इजी है। जैसे ए से आप आसाम, टी त्रिपुरा, एम मेघालय, एटीएम हो गया ना, आ अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो ये इसीलिए दिया गया है, ये ट्रिक है याद करने के लिए, ये आप लोगों को सात स्टेट का नाम याद करने के लिए ये ट्रिक यहाँ पे दिया गया है। इट्स इजी टू रिमेम्बर द नेम्स। सो हियर वी विल लर्न अबाउट द सेवन सिस्टर्स, एक एक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये सबसे बड़ा स्टेट है वहाँ का एरिया वाइज। इसका बॉर्डर ऊपर में चाइना से लगता है। हाउएवर इट्स पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, जबकि लेकिन यहाँ का जो, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा पहाड़ हैं, बहुत रिमोट एरियाज हैं, उसके कारण वहाँ पे आना जाना रहना बहुत मुश्किल होता है, इसके कारण वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। पीपल ऑफ द स्टेट लिव इन स्टिल्ट हाउसेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन वाटर एंड स्नेक्स, क्योंकि ये पहाड़ की तराई वाला इलाका है और तो इसमें बहुत बारिश होती है और जंगल बहुत ज्यादा है, इसीलिए जंगली जानवर और सांप का भी बहुत डर रहता है। इसीलिए यहाँ के, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, स्टिल्ट मतलब उठा के, मतलब क्या होता है नीचे से ना, बांस के या लकड़ी का जो पेड़ होता है ना, पेड़ का जो तना ये होता है, उसके ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे जो ब्रांच होते हैं उसके ऊपर ये लोग लकड़ी का ही घर मोस्टली बनाते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में मोस्ट ऑफ द हाउसेस, 95% ऑफ द हाउसेस आपको लकड़ी के ही मिलेंगे। और ये लोग नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, इन मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन यू विल फाइंड द हाउसेज मेड ऑफ वुड। उसका कारण बहुत सारा होता है, एक तो बारिश से थोड़ा सा बचाव होता है, प्लस क्या है कि कभी लैंडफॉल होता है तो भी, क्योंकि अगर सीमेंटेड या कॉन्क्रीट का है तो अगर वो घर गिरेगा तो आदमी उसमें कैजुअलिटी ज़्यादा हो सकती है, मरने की चांसेस ज़्यादा है। लकड़ी का है तो ईजी होता है, प्लस स्नोफॉल होता है तो स्लोप रहते हैं ना, तो उसे वो पानी ऊपर जमता भी नहीं है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ये लोग ना उठा के घर बनाते हैं, जिससे कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो तो पानी घर के अंदर ना घुसे और जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े या सांप है, वो भी घर के अंदर नहीं घुस सके। द नेक्स्ट स्टेट इज मणिपुर। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। फार्मिंग एंड वीविंग आर द कॉमन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर। खेती बाड़ी करना और ये बांस के, ये लोग ना बांस के या केन के ना, केन का फर्नीचर आपने देखा होगा, केन का फर्नीचर या बांस के, इस तरह के जो आप फिगर्स में देख रहे हैं ना, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स ना, मतलब जो भी सामान है, छोटे छोटे सामान ना, ये लोग काफी बनाते हैं, वीविंग बहुत करते हैं। वीविंग मतलब बुनने का काम, बांस की पत्तियों से या केन से या लेदर से, इस तरह की चीजें मणिपुर से बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती हैं। जो केन का फर्नीचर्स होता है, इवन
बड़े बड़े सोफा बेड सब होते हैं उसमें, वो सारे चीजें मणिपुर में बनते हैं और उसी एरिया में ये सारी चीजें बहुत होती हैं। तो मोस्टली वहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो यही है, या तो फार्मिंग करते हैं नहीं तो वीविंग का काम करते हैं। और मणिपुर जो डांस है, मणिपुरी डांस, वो काफी फेमस डांस फॉर्म है इंडिया का, मणिपुरी डांस फॉर्म। उसका आप लोग ये देखो फिगर देख सकते हो पिक्चर में, ये जो नीचे में ना सर्कुलर एक मतलब आप समझ लो कि सर्कुलर नीचे का जो पोर्शन होता है, एक सर्कुलर होता है जो कि आप लोग घाघरा टाइप का होता है, और उसी को पहन के वहाँ के लोग डांस करते हैं। और ये बहुत फेमस डांस फॉर्म है इंडिया का, मणिपुरी डांस। एंड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ सेवन सिस्टर इज आसाम। आसाम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आसाम हैज सेवरल लार्ज टी प्लांटेशन वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल वॉक। गुड क्वालिटी टी इज ग्रोन हियर। आसाम जो है ना टी के लिए बहुत फेमस है, वहाँ काफी बड़े बड़े टी के गार्डन्स हैं। वहाँ के मेन जो रोजगार है वहाँ के लोगों का टी प्लांटेशन, बहुत बड़ा रोजगार है वहाँ के लोगों का। आसाम के कैपिटल क्या क्या नाम है? दिसपुर। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। और टी के अलावा आसाम का क्या फेमस है? आसाम का सिल्क, आसाम का जो सिल्क है ना वो भी काफी फेमस है। बिहू इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ आसाम। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का डांस फॉर्म है वहाँ के लोगों का, उस डांस का नाम है बिहू। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, डांस फॉर्म्स कहाँ कहाँ के क्या है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में भी आते हैं ये। देन कामाख्या टेम्पल इज द फेमस टेम्पल ऑफ आसाम वेयर हंड्रेड्स ऑफ पिलग्रिम्स कम एवरी डे। जो आसाम में कामाख्या टेम्पल है, कामाख्या एक जगह है, वहाँ एक टेम्पल है जो कि शक्ति पीठ है, देवी का टेम्पल है। वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब हिंदू धर्म के पिलग्रिमेज जगह में से एक है, जहाँ पे रोज दिन हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, वो एक शक्ति पीठ है कामाख्या। और द नेक्स्ट स्टेट इज मेघालय। मेघालय गेट्स द हेवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री, है ना। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जो चेरापूंजी है, जहाँ की दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है वाला इलाका है चेरापूंजी, वो भी मेघालय में ही है। शिलोंग इज द कैपिटल सिटी एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ मेघालय। मेघालय का कैपिटल सिटी का नाम क्या है? कैपिटल का नाम है शिलोंग, और वो बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ के लोग तीन तरह के, मोस्टली तीन तरह के ट्राइब्स के लोग होते हैं, जिनका नाम है खासी, गोरा और जैंतिया। तीन खासी, गोरा और जैंतिया ट्राइब्स के लोग मोस्टली मेघालय में रहते हैं। दे ग्रो राइस, पोटैटोज, शुगर केन, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस एंड जूट, है ना। यहाँ के मोस्टली यहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है, और यहाँ पे राइस, पोटैटो, शुगीक, शुगर केन, पाइनएप्पल, संतरे, जूट, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर काफ़ी होता है, और यहाँ के लोग उसी पे सरवाइव करते हैं मोस्टली। एंड द नेक्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया इज मिजोरम। सो मिजोरम इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द रीजन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के मैप देखोगे तो सबसे साउथ में मिजोरम आपको दिखेगा, इसका बॉर्डर म्यांमार से लगता है। मीनिंग ऑफ मिजोरम इज लैंड ऑफ हिल्स पीपल, मतलब इस मिजोरम का मीनिंग है कि उनके लैंग्वेज में, मिजो लैंग्वेज में इसके मीनिंग है ये लैंड ऑफ हिल पीपल, मतलब पहाड़ी लोगों की जगह। द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज आइजोल। आइजोल है वो मिजोरम का कैपिटल है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, जो खेती बाड़ी है यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। एंड द मेन लैंग्वेज इज मिजो और इंग्लिश। इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत बहुत बोली जाती है, और मिजो इनका मेन लैंग्वेज है। अनदर स्टेट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो कैपिटल है दैट इज अगरतला, और त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय बांग्लादेश। ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बेसिकली त्रिपुरा जो है ना बांग्लादेश की तरफ है, और तीनों तरफ से इसके करीब करीब बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है।
The people of states make beautiful things from cane and bamboo. इस एरिया में भी बहुत सारे केन और बैम्बू का प्रोडक्ट बनाया जाता है, और ये भी बहुत, जैसे कि मणिपुर में है ना, वैसे ही त्रिपुरा में भी बहुत सारे, यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है उसमें मेनली यही है, एग्रीकल्चर के साथ साथ ये बैम्बू और केन का फर्नीचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, और ये लोग ऑल ओवर इंडिया में वो सप्लाई होती है और इसी से ये लोग पैसा कमाते हैं, तो इनका मेन ऑक्यूपेशन है. एंड द लास्ट स्टेट ऑफ दिस एरिया, दिस रीजन इज नागालैंड. द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा. कोहिमा नागालैंड की राजधानी है. राइस, मेज एंड मिलेट्स, है ना, चावल, गेहूं और मिलेट जो है वहाँ का मेन फसल है वहाँ के लोगों का. ऑरेंजेस मतलब संतरा भी यहाँ पे काफी संख्या में उगाया जाता है, संतरे का बगीचा लगाया जाता है, संतरा उगाया जाता है. नागाज वियर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स. तो नागा लोग जो है ना अलग अलग डिजाइन के और रंग के शॉल पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, बिकॉज ये हिल स्टेशन टाइप का है तो ठंड रहती है, तो अलग अलग डिजाइन के शॉल्स ओढ़ते हैं. और इन डिजाइन के शॉल से आप लोग मतलब लोग को हम लोग पता कर सकते हैं कि वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं. तो अलग अलग शॉल्स के डिजाइन, अलग अलग जैसा उनका पहनावा है बेसिकली, उससे हमको पता चलता है कि वहाँ के किस, बिकॉज नागालैंड में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्राइब्स हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है उनके शॉल से, उनके पहनावे से. सो अभी तक हमने इस चैप्टर में नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया और उस माउंटेन्स के अंदर जितने स्टेट्स हैं उनके बारे में जानकारी ली है, उनके बारे में हमने पढ़ा है. अब इस चैप्टर को आप लोग वापस से सुनिएगा, बिकॉज ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दो 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 बार तीन बार करके आप लोग इसको सुनिए. एंड यू हैव टू रिमेम्बर सर्टेन थिंग्स अबाउट द स्टेट्स एंड उनका कैपिटल, उनकी क्या लैंग्वेज है, उस उनका डांस फॉर्म क्या है, वो स्टेट किस लिए फेमस है, वहाँ के फेमस जगह, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िए. ओके.